जय श्री केदार। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बाबा श्री केदारनाथ जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज अगर फिर से मैं हाजिर आप सबके लिए श्री केदारनाथ जी यात्रा से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, आज की जो जानकारी है वो आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए काफी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो की मदद से होने वाली है, क्योंकि अगले दिनों केदारनाथ में मौसम खराब होने वाला है। इसी के साथ साथ बर्फबारी भी होने की संभावना है। संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाला हूं कि केदारनाथ में मौसम कब से खराब होगा और बर्फबारी कब से शुरू होगी, साथ ही यात्रा में भीड़ कैसी है, क्राउड कैसा है, गर्भगृह में दर्शन प्राप्त हो रहे हैं श्रद्धालुओं को या फिर नहीं। साथ ही ये भी बताने वाला हूँ कि बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री जी की यात्रा चल रही या फिर नहीं। संपूर्ण जानकारी है आप सभी को चार धाम यात्रा और केदारनाथ जी यात्रा से जुड़ी इस वीडियो की मदद से देने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप सब तक हमारे डेली अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, आप सबका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम केदारनाथ जी यात्रा की। मौसम आप सभी को पता होगा, अब अक्टूबर महीना है तो केदारनाथ में ठंड भी अच्छी खासी बढ़ चुकी है। और इसी के साथ आप सभी के लिए अब सबसे बड़ी जानकारी ये है कि अगर आप मौसम को लेकर केदारनाथ में जा रहे हैं, बर्फबारी को लेकर केदारनाथ जा रहे हैं, साथ ही साथ दर्शनों के लिए जा रहे हैं, तो आप सभी के लिए सबसे बड़ी जानकारी यही है कि 10 अक्टूबर के बाद केदारनाथ नगरी में मौसम खराब होने की संभावना है, जो आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे बड़ी जानकारी है। और इसी के साथ केदारनाथ में अगर खासतौर मौसम खराब होता है तो इसमें आप सबको बर्फबारी देखने को मिलेगी केदारनाथ मंदिर में। जी हाँ, जो आप सभी के लिए सबसे बड़ी जानकारी है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि मौसम जो है, मौसम 14 और 15 अक्टूबर को थोड़ा और ज्यादा खराब होने की संभावना है। इसी के साथ अगले दिनों जो मौसम है वो नॉर्मली बादल छाए रहेंगे, और जो 10 अक्टूबर के बाद है वो मौसम जो है, आप सभी को बता दूं, कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बारिश होने की भी संभावना है। और कहीं ना कहीं आप सबको अगर मौसम ज्यादा खराब होता है तो केदारनाथ नगरी में आप सभी को बर्फबारी भी देखने को मिल जाएगी, जो आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे बड़ी जानकारी। अब बात कर लेते हैं हम कि केदारनाथ में क्राउड कैसा है, भीड़ कैसी है। आप सभी को बता दें केदारनाथ में भीड़ एक बार फिर से भरना शुरू हुई है, क्योंकि मौसम साफ है उत्तराखंड में और श्रद्धालु एक बार फिर से चार धाम यात्रा पर और श्री केदारनाथ जी यात्रा के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही आप सभी के लिए ये भी जानकारी बनती है कि गर्भगृह में दर्शन प्राप्त हो पा रहे हैं श्रद्धालुओं को या फिर नहीं। आप सभी को बता दें यात्रा कम होने पर गर्भगृह में दर्शन प्राप्त हो रहे हैं श्रद्धालुओं को, अन्यथा आपको चार्जेस देने के बाद ही गर्भगृह में दर्शन प्राप्त होंगे, अन्यथा आपको स्वर्ण मंडल से ही दर्शनों का लाभ मिलेगा केदारनाथ मंदिर में। और इसी के साथ चार धाम यात्रा जो है, गंगोत्री जी, यमुनोत्री और बद्रीनाथ जी की, ये भी पूरी तरह से सुचारू है, यात्रा पूरी तरह से चल रही है। पर आप सभी के लिए एक जरूरी जानकारी यह है कि केदारनाथ में और साथ ही साथ चारों धामों यात्रा का प्लान बना रहे हैं, आ रहे तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसलिए अपने साथ गर्म कपड़ों को लेकर आए, ताकि आपको यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। क्योंकि आप सभी को बता दूं पहाड़ों में एक बार फिर से ठंड आना शुरू हो चुकी है, और अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लाएं, ताकि आपको सेहत में भी किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है वो ना उठानी पड़े। साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर हर हर महादेव, जय श्री केदार लिखें। हर हर महादेव।